आपके सामने बनाने जा रही हूँ स्पेशल पाव भाजी। तो सबसे पहले हम भाजी बनाएंगे। भाजी बनाने के लिए मैंने ये गोभी, मटर, आलू और गाजर, ये चार सब्जियों को मैंने बारीक काट लिया है और तीन चार पानी से धो लिया है। तो चलिए पहले हम इन सब्जियों को स्टीम कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने ये स्टीमर रख दिया है और ये देखिए इसके अंदर हमने पानी डाला है, पानी हमारा बॉयल हो चुका है। ऊपर से हम ये छन्नी रख देते हैं और इसके ऊपर हम ये सारी सब्जियां डाल देते हैं। सब्जियां हमने सारी डाल दी, अब हम इसको ढक देंगे। अब ये सब्जियां हमने स्टीम से पकानी है, 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको स्टीम दिलाएंगे ताकि हमारी सब्जियां ये गल जाए अच्छे से। तो ये देखिए हमारी 15 से 20 मिनट के बाद वेजिटेबल्स स्टीम हो चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी हैं, ये देखिए ये बिल्कुल स्टीम हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो हमने ये सब्जियां निकाल ली हैं। अब ये जो मैशर है इससे हम सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे ऐसे प्रेस कर करके। ये देखिए हमने सारी सब्जियां से मैश कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी सारी सब्जियां मैश हो चुकी हैं। गैस ऑन करके हमने पैन रख दिया है और ये वाला एक चम्मच हमने ऑयल का डाला है और थोड़ा हम बटर डालेंगे इसमें, आधा ऑयल और आधा बटर। तो गरम कर लेते हैं जो हमारा बटर पिघलता है। सबसे पहले हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हमने इसमें अजवाइन डालनी है और इसको भून लेना है। अब हम इसमें बारीक कटी दो हरी मिर्च डालते हैं, इनको भी भून लेते हैं। बारीक कटा प्याज डालते हैं, भून लेते हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे एक मिनट चम्मच और एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डालना है और एक चम्मच हमने नमक डालना है और इनको मिक्स कर देना है। एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला, तो मिक्स कर लेते हैं। इसी में हम एक से डेढ़ चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, पका लेते हैं। इसी में एक चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, तो मिक्स कर लेते हैं। और एक छोटी कटोरी हमने बारीक कटी शिमला मिर्च डाल देनी है, तो मिक्स कर लेना और 5 मिनट के लिए इसको पकाना है, भून लेते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाते हैं। तो अब ढक्कन हटा के देखते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी गल चुकी है, मसाला हमारा भून चुका है, शिमला मिर्च भी गल चुकी है। अब हम इसमें मैश की हुई सारी सब्जियां डाल देंगे और उनको मिक्स कर देंगे। तो हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। एक चम्मच हमने इसमें पानी डाला है और इसको मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। तो ये देखिए हमारी भाजी बिल्कुल तैयार है। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं, तो मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, इसे मिक्स कर देते हैं। और एक चम्मच हम इसमें बटर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो ऊपर से हम ये नींबू का रस डाल देते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। तो लीजिए हमारी भाजी बनकर तैयार हो गई है। अब हम पाव को गर्म करते हैं। तवा रख दिया हमने गर्म होने के लिए, इसमें बटर डालते हैं और बटर डाल के हमने ये अपने पाव को गर्म करना है। तो गर्मा गर्म पाव और गर्मा गर्म भाजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। तो अब से आप ये पाव भाजी घर पे ही बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने हाथों से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अपने बच्चों को खिलाइए, अपने घर में सबको खिलाइए। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखते रहिए फिर से सरिता की रसोई।